प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है। मैं ज्योति तिवारी, आपके लिए 2 BHK का फ्लैट काफी अच्छा पेंट और फैन लाइटिंग के साथ करा गया है। तो ऐसा आपको कि आजकल की न्यू मॉडल लेडीज जो सोचती हैं कि ओपन किचन हो, तो आप डोर भी लगा सकते हो। किचन में भी काफी स्पेसियस है, इसमें भी एसी पॉइंट दे रखा है, एसी पॉइंट यहाँ पे है, तो रूम काफी बड़ा है, फैन है, लाइट है। रूम के साथ एक वॉशरूम है, वॉशरूम आप देख सकते हैं, पूरे वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। स्वागत है। मैं ज्योति तिवारी, आपके लिए 2 BHK का फ्लैट 50 गज में लेके आई हूँ। काफी ये छोटी फैमिली के लिए काफी अच्छा स्पेसियस है, तो मैं आपको टूर करवाने जा रही हूँ ये 50 गज का 2 BHK का फ्लैट। फर्स्ट बेडरूम ये है आपका, सेकंड बेडरूम यहाँ पे दे रखा है, 2 रूम का एक वॉशरूम यहाँ पे दे रखा है, वॉशरूम भी काफी अच्छा स्पेसियस है। किचन आपका अटैच है, किचन आपका ओपन एरिया में दे रखा है, और क्योंकि आजकल के जो न्यू मॉडल लेडीज आ रही हैं वो ओपन ही किचन मांगती हैं। आप अपना यहाँ पे डोर भी लगा सकते हैं, तो डिपेंड आपके ऊपर है। तो आइए हम फर्स्ट बेडरूम, जो इसकी लोकेशन इतनी प्राइम लोकेशन में है, झंडे वाले मेट्रो स्टेशन के एकदम वॉकिंग पे है, आपका अजमल खान पार्क भी इसके पास में, मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, फैमिली बच्चे कोई भी जा सकता है वहाँ पे। ये जोशी रोड पे काफी शानदार बिल्डिंग है, 50 गज में बना हुआ है। तो फर्स्ट बेडरूम का मैं टूर करवाने चलती हूँ आपको, जो इसका फर्स्ट बेडरूम है, काफी खूबसूरत, काफी अच्छा पेंट और फैन लाइटिंग के साथ करा गया है। तो ऐसा आपको करोल बाग या जोशी रोड पे ऐसा फ्लैट नया बना हुआ आया हुआ है, कहीं पे भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा। 50 गज में छोटी फैमिली के लिए काफी खूबसूरत है, जिनके हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे उनके लिए तो काफी बहुत ही अच्छा है। 2 रूम के साथ एक किचन में यह आपको यहाँ पे दे रखा है, स्विच पैकिंग स्विच यहाँ पे दे रखा है, थर्ड स्विच भी दे रखा है, तो स्विच के रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं है। फिर हम आते हैं सेकंड बेडरूम पे, सेकंड बेडरूम भी मैं आपको दिखाती हूँ, सेकंड बेडरूम के पास चलते हैं। पर अभी हम इस टाइम कॉमन एरिया में, तो पहले कॉमन एरिया का मैं टूर करवा दे रही हूँ। कॉमन एरिया भी आप देख सकते हैं काफी स्पेसियस है, आप आराम से कॉमन एरिया में भी एक सोफा टेबल चेयर आराम से रख सकते हैं। बाहर से अगर कोई गेस्ट आता है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कॉमन एरिया में ओपन किचन दे रखा है, किचन के लिए आजकल की न्यू मॉडल लेडीज जो सोचती हैं कि ओपन किचन हो, तो आप डोर भी लगा सकते हो। किचन में भी काफी स्पेसियस है, यहाँ पे आपको सिंक दे रखा है, हॉट और कोल्ड दोनों पानी का है यहाँ पे, तो आप दोनों चीज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज का पॉइंट दे रखा है, स्विच भी फ्रिज का पॉइंट का यहाँ पे दे रखा है, काफी यहाँ पे ड्रॉ भी दे रखे है किचन में, किचन में काफी सारे ड्रॉ हैं, तो सामान रखने की दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे विंडो भी है, एडजस्ट फैन भी किचन में लगा हुआ है, गीजर का स्विच पॉइंट भी दे रखा है यहाँ किचन में, तो आप किचन में ये भी काफी स्पेसियस डोर यहाँ पे किचन में दे रखा है। तो लेडीजों को सबसे ज्यादा ये होता है कि किचन में ड्रॉ होना चाहिए, सामान रखने का काफी स्पेसियस है, तो किचन में बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम आने वाली है। फिर हम सेकंड बेडरूम में चलते हैं, सेकंड बेडरूम आइए आपको टूर करवाते हैं। सेकंड बेडरूम भी काफी अच्छा स्पेसियस है, इसमें भी एसी पॉइंट दे रखा है, एसी पॉइंट यहाँ पे है, रूम काफी बड़ा है, फैन है, लाइट है, तो वेंटिलेशन की इस रूम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों रूमों में नहीं वेंटिलेशन की दिक्कत है। फिर मैंने जो आपको कॉमन एरिया हॉल दिखाया है, उसमें आप देखेंगे उसमें बालकनी भी काफी अच्छा और स्पेसियस है। बालकनी से पहले मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, जो 2 रूम के साथ एक वॉशरूम है, वॉशरूम आप देख सकते हैं, पूरे वॉशरूम में टाइल्स लगी हुई है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये। यहाँ पे सिंक इसका दे रखा है, पोर्ट यहाँ पे आपको है, गीजर का पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, सावर लगा हुआ है, एडजस्ट फैन लगा हुआ है, तो पूरी नई बिल्डिंग है, जोशी रोड पे है। और हमारे पास ऐसी फ्लैट 50 गज के, 72 गज के, 200 गज के, पटेल नगर, न्यू राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसे नई नई बिल्डिंग हमारे पास आते रहते हैं, रेंट पे भी है, सेल पे भी है। ये आपकी बालकनी अटैच है, बालकनी भी आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत, काफी अच्छा है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन का पॉइंट दे रखा है, आप वॉशिंग मशीन भी यूज कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ कॉमन एरिया में भी विंडो है, तो प्लीज ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आती, तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैंने आपको इसमें नॉलेज नहीं दी इस फ्लैट के बारे में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, तो मैं आगे आपके लिए जरूर इंफॉर्मेशन दूंगी। और ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट करिए। थैंक यू।